को ख़राब करने में सबसे ज़्यादा कांड यही करते हैं। ये देखो सब चिपका जाते हैं इस पर और पूरा ख़राब हो जाता है। अभी नाम भी नहीं दिख रहा प्रॉपर उस पर। इसे बोलते हैं बैजाताल, ये सन 1850 में महारानी बैजाबाई के नाम पर बनाया गया था। में आया हुआ है एक सेवैया बनाने वाला, तो देखते हैं उसकी प्रोसेस कैसे सेवैया बनाता है वो, और चलते हैं बाहर। और पहली बार देख रहे हैं सेवैया बनते हुए, हालांकि पहले कभी नहीं देखी, तो चलते हैं बाहर दिखाते हैं आपको सेवैया बनाने वाले का पूरा प्रोसेस। एक मशीन लेके आया है, जनरेटर से चला रहा है, और देखते हैं कितने रुपये क्या बनाते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, बंधन अभिनंदन हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं आज कहीं बाहर, क्योंकि है संडे और बाहर जाने के लिए हमारे घर में अभी कोई नहीं है, बस हमारे साथ है सूर्यांश तो गया है किसी काम से बाहर अपनी मम्मी के साथ, और हमारे साथ है अंशु और मैं, और दोनों जा रहे हैं बाहर किसी काम से। तो आपको कुछ ही चीज़ के दर्शन कराने हैं, मतलब दर्शन क्या, पर्यटन स्थल है बहुत अच्छा, तो ग्वालियर में एक बहुत ही नामी पर्यटन स्थल वो दिखाएंगे आपको, और जाएंगे कहीं बाहर और कुछ खाना खाएंगे, क्योंकि घर में आज कुछ स्पेशल नहीं है, संडे है तो स्पेशल खाएंगे। और हमारे साथ है अंशु, तो अंशु अभी रेडी हो रहा है, क्योंकि अंशु से हमने मना कर दी थी पहले, तो अंशु ने कह रहा है कि नहीं मेरे को नहीं जाना है, अब नहीं जाना है, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं जा रहे, लेकिन अब जा रहे हैं, उससे थोड़ा सा प्रैंक हुआ। चलिए चलते हैं बाहर, मिलते हैं थोड़ी देर में, सीधे वहीं पर मिलेंगे सीधे हैं। तो आप सभी को मैंने परसों, मतलब कल के ब्लॉग में बताया था कि सूर्यांश और अंशु की आंखें हो रही थी ख़राब, हालांकि अब पूरे घर की आंखें ख़राब होने लगी हैं, सबकी आंखें इन्फेक्शन है, मेरी आंखों में भी दिख रहा होगा, इसलिए ब्लॉग नहीं आया था दो दिन से। और जो परसों का ब्लॉग जो आज डाला है और आज का ब्लॉग आप देखा, कल तो बहुत ज़्यादा थी, तो दोनों आँखों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था मेरे, तो अब तो बहुत ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसलिए ब्लॉग नहीं आया था, सॉरी उसके लिए, वहाँ भी जाएंगे, बाकी चलते हैं कल। सो भाइयों और बहनों, हम आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, मतलब हमें यहाँ आना था, हम वहाँ आ चुके हैं, तो दिखाते हैं आपको आज का नज़ारा और ग्वालियर की खूबसूरत सा एक ताल, जिसे कहते हैं बैजाताल। ये ताल देख रहे हैं, ये ग्वालियर के कई बहुत से तालों में से एक ताल है, इसे बोलते हैं बैजाताल। ये सन 1850 में महारानी बैजाबाई के नाम पर बनाया गया था, जो कि अब पूरी तरह ग्वालियर पर्यटन विभाग को समर्पित कर दिया गया है। और यहाँ पर ये नाव रखी हुई हैं, ये बोट से पैडल वाली हैं, इन्हें चलाई जाती हैं पैर से, और शायद उस साइड है बैटरी वाली, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बैटरी वाली बाइक का आ गई है नाव, वो भी चलेंगी इसमें। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको कुछ और नज़ारा। रोड को ख़राब करने में सबसे ज़्यादा कांड यही करते हैं, ये देखो सब चिपका जाते हैं इस पर और पूरा ख़राब हो जाता है। अभी नाम भी नहीं दिख रहा प्रॉपर उस पर, इसको छुटाते हैं थोड़ा सा। तो चलते हैं इसके मध्यम बीच में, ये बैटरी वाली बाइक कार है ना, साइकिल जैसी, हाँ छोटे बच्चों के लिए, ये पैडल वाली इस साइड, रात में और सुंदर लगता है इधर, चारों तरफ लाइटें, और आए दिन यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, तभी होगा तो बताएंगे कहाँ पे, उधर कुछ था पापा, अंदर चला गया, वो है वो चिड़िया है, चिड़िया पानी में रहती हैं, चिड़िया जल मुर्गी। बाकी कभी स्पेशल नाइट की वीडियो बनाएंगे इधर आके, आपको दिखाएंगे, और ये पूरा सामने जो पूरी लाइटें रहती हैं, और ये हमारा अंशु उधम मचा रहा है इधर, उधम नहीं मचा बेटा, चलो चलते हैं आगे और दिखाते कुछ दृश्य आपको।
बेताला मस्जिद में एक कमी है, इसका पानी रुकता नहीं है क्योंकि इसमें नीचे दरारें आ गई तो पानी इसका पूरा सूख जाता है, इसलिए पानी हर साल इसमें पानी भरते हैं, बारिश का पानी और एक्स्ट्रा वाटर ला के भरते हैं और बाकी पूरा पानी सूख जाता है हर साल। और ये रहा सामने मोती महल, कभी इसकी स्पेशल वीडियो बना के डालेंगे। चलो चलते हैं ऊपर, यार गाड़ी चोरी जल्दी होती है। चलो अंशु, ये सामने देख रहे हैं ये हैं इलेक्ट्रिकल बोट जिसके बारे में आपको बता रहा था, और ये हैं आप पैडल बोट। ये था ऐसा नज़ारा बेजाताल का, और चलते हैं आगे और अब अंशु को देंगे कैमरा, अंशु बनाएगा थोड़ा सा ब्लॉग ताल के बारे में। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए उधर गुफा जैसी कुछ चीज है, देख सकते हैं आप। गंदा पानी है, बहुत ज़्यादा गंदा पानी, स्मेल भी बहुत तेज़ आ रही है इसमें, बहुत तेज़ गंदी स्मेल आ रही है, हरा हरा हो गया पूरा पानी, फिल्टर भी नहीं लगा रखा है, मछलियाँ नहीं रहती इसमें, नहीं नहीं मछली नहीं रहती, साफ करने वाले व्यक्ति साफ करते हैं, सफाई करते हैं। देख रहे हैं जापान से आई हैं बैटरी वाली बोट हैं, पैडल भी है बैटरी भी है, दोनों हैं, दोनों ही हैं। आगे सफर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज ग्वाली में और क्या दिखा पाते हैं आपको। समय जो देख रहे हैं ये है सिंधिया मिल, अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर हमारे भारत की राष्ट्रपति आई थी द्रौपदी मुर्मू। और यह है रोड ग्वालियर की, नीट एंड क्लीन, क्योंकि यहाँ है सिंधिया महल, महाराज जो कि ग्वालियर के महाराज हैं वो महल है इसके बाउंड्री के उस पार, तो ये रोड बहुत साफ रहती है। बाकी चलते हैं आगे कुछ खाते हैं, और अभी हम आए हैं एटीएम पर कैश लेने के, कैश लेके जाएंगे कुछ खाने के लिए, फिर जाएंगे वापस वहीं पे और खुद कुछ बचा हुआ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद निकलेंगे घर पर। क्यों सू क्या खाएगा स्पेशल? चलो भाई मस्त खा पी के वापस आ गए हैं अपनी जगह पर हम, तो बचा खुचा और एक्सप्लोर करेंगे अब हम, और मस्त खा पी के एकदम टन हो गए और चलते हैं वापस से वहीं। ये है हमारे ग्वालियर की धरोहर, जैसे ही यहाँ पर शाम होती है पर्यटक आना चालू हो जाते हैं, जैसे आपने देखी उधर अभी नाव में कुछ जोड़े, और यहाँ पर भी देखिए फुब्बारा चालू हो गया है और उस साइड भी चालू हो गया है फिल्टर, तो शाम के टाइम बहुत चहल पहल रहती है और जितनी भी लाइटें लगी हुई हैं यहाँ पर वो सब चालू हो जाती हैं। बस तकलीफ़ यह होती है कि ये ग्वालियर की मुख्य धरोहरों में से एक है, और तकलीफ़ इस चीज़ से होती है, ये देखिए ये है ग्वालियर का एक अलग चेहरा, ठीक है, ये चीज़ ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए, ये मुझे बहुत गंदी लगती है। और मैंने सामने ही बताया था आपको कि यहाँ पर मुख्य बैजाताल लिखा हुआ था, और उधर ही मतलब बैजाताल लिखे होने पर ही उन्होंने पोस्टर लगा दिया, मतलब अपना प्रचार कर दिया था उन्होंने। ये भाई देखिए यहाँ पर बहुत लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है इससे, यहाँ पर बहुत सी ठेले लगते हैं शाम के टाइम। और हमारा अंशु, अंशु यार एक चीज़ गलत है, तेरे से का भी खाना मेरे को खाना पड़ा, तेरे से खाना मेरे को खाना पड़ा, चल ये काम गलत लगता है तेरा, आज के बाद तेरे को कुछ खिलाएंगे नहीं हम, घर पे भी नहीं खिलाएंगे तेरे को कभी। चलो चलें, है हमारा ग्वालियर का बैजाताल, आपने देखा बहुत सी छतरियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर ऐसी, ये बनी हुई है एक और सामने दो तीन चार पाँच, जो पे शाम के टाइम बहुत सुंदर लाइट जलती है यहाँ पर। और ये देखिए पर्यटक आने लगे हैं,
ये लगी हुई हैं लाइट्स नीचे, बहुत कलरफुल हो जाता है पूरा। अभी सामने बोटिंग हो रही है और फुब्बारा भी चालू हो गया सामने। चलें जो के गुजारिश करना चाहूँगा कि आप आएं, घूमें, फिरें, मस्ती करें, लेकिन गंदा ना करें प्लीज़ यार। हमारे ग्वालियर को गंदा ना करें, जो कि मैंने दिखाया बहुत ही शर्मनाक चीज़ है वो, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये गई है पड़ाव के लिए और ये मुख्य रोड है, ये भी गई है जेंद्रगंज और बाड़े के लिए। तो चलते हैं पड़ाव से हजीरे की तरफ, यानी कि अपने घर तरफ। घर में घुसे वैसे ही बारिश आने लगी, तो सही टाइम पर घर में घुसे हम। घर पर आ चुके हैं, थोड़ा आराम करते हैं और मिलते हैं कुछ देर बाद।